क्योंकि बहुत दूर है। इधर देखिए क्या फटाफट कर, देखिए क्या दिखाई दे, थोड़ा आगे देख, आगे देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल राजबना व्लॉग्स में। अभी कहीं तो आ रखा हूँ और एक कहते हैं कि यहाँ पर हॉरर फॉरेस्ट है, यहाँ पर भूत रहते हैं। अब मुझे नहीं पता भूत रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मैं तो आ चुका हूँ, तो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं इस जंगल को। मेरे साथ हैं मेरे दो साथ और हैं मेरे, मैं अकेला नहीं हूँ। दिनेश है मेरे साथ और भंवर है मेरे साथ, जिनको आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हो। और देखते हैं कि क्या हकीकत में यहाँ पर कुछ भूत वूत है या फिर ऐसे ही लोग बाग फेंकते हैं। तो चलो सफ़र करते हैं इस फॉरेस्ट का। मेरे पीछे देख लो आप, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है। और चलो क्या हो रहा है देखते हैं। टाइम अभी हो चुका है करीबन 12:25 या 12:22 समथिंग, ऐसा कुछ टाइम हो रहा है। मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो मैं टाइम आपको दिखा नहीं सकता। 12:42 हो रखी है अभी, दिनेश बोला अभी हमारा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लाइट की थोड़ी कमी है तो मैं भी दिखूँ ना दिखूँ, पर जैसा भी हो एडजस्ट कर लेना। अभी तक तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बस थोड़ा ऐसा है कि कुछ पक्षी वगैरह ऐसे उड़ने की आवाज़ आ रही है या ऐसे कुछ जानवरों की आवाज़ आ रही है, बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा अभी तक और पता नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। पूरा आप मतलब डरावना तो है, ये पूरा मामला एकदम डरावना तो है, लेकिन अब पता नहीं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत है, वो है, ये है, पर है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। चलो आगे चलते हैं, अपन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये यहाँ पर शायद कुछ कबर वगैरह बनी हुई है, कबर है या पता नहीं क्या है क्या नहीं है, टूटा फूटा कबर जैसे लग रहा है। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। डरावना तो है, देखो मैं नहीं बोल रहा डरावना नहीं है, क्योंकि ये जो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर इधर आओ, ये एक कुआ है जो कि तो आवाज आ रही थी इधर से। ये पता नहीं, हो सकता कोई जानवर हो या मैं, देखो मैं भूत समर्थक आदमी हूँ नहीं, लेकिन कुछ तो इधर आवाज आ रही थी। और ये जो है ये कुआ है, अरे रे रे रे, ये तो बहुत ज्यादा गहरा है ये। चलो आगे चल के देखते हैं।
सही बताऊं, मैं एक ट्रेवलिंग व्लॉगर हूं। मैं अलग अलग जगह जाकर घूमता हूं। मुझे अलग अलग अच्छी जगह देखने की ख्वाहिश है, पर ये जो जगह मैं आज आया हूं ना, सही बताऊं ना, मुझे ये जगह देखने की ख्वाहिश नहीं है। क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर देखो, मुझे है ना लद्दाख घूमना है, मनाली घूमना है, कश्मीर घूमना है, इंडिया घूमना है, वर्ल्ड घूमना है, पर जो ये हॉरर जगह पर जो मैं आया हूँ ना, मुझे अभी यहाँ पर ऐसा शूट करने का मन नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं, इस वजह से मैं आपको दिखाने आया हूँ ये चीज़। पर अकेला नहीं आया हूँ, देखो झूठ बोल के और व्यूज़ पाने का शौक नहीं है मेरे को। मैं अपने साथ मेरे दो भाइयों को लेके आया हूँ और वो मेरे साथ हैं, ठीक है। तो उस वजह से मुझे थोड़ा डर भी थोड़ा कम ही लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे चल के क्या है क्या नहीं है। आ जाओ, अरे इधर से इधर का फटाफट कर, देख क्या दिखाई दे, थोड़ा आगे देख, आगे देख, पेड़ के पीछे देख, पेड़ के पीछे। पर था यार, अभी मेरे को दिखा था इसी जगह पर। मेरे को अभी यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा था कि एकदम ऐसा कुछ वाइट वाइट सा मेरे को दिखा था, पर अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा इधर। एक बार उधर कैमरा उधर लेकर के उधर देखना, ये क्या बहुत दूर है। ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ तो है वहां पर, या तो हो सकता है कोई जानवर हो, हो सकता है कोई जानवर हो, या पता नहीं। बाकी कुछ तो दिखा था मेरे को भी इधर, मुझे नहीं पता। देखो मैं भूत भूत मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन हो सकता है कोई जानवर भी हो, मुझे अभी दिखा था इधर कुछ ना कुछ। चलते हैं आगे, चलते हैं और थोड़ा, आपके लिए जा रहा हूँ मैं, देखते हैं आगे कुछ दिखे तो। और यहाँ पर कहते हैं कि पैंथर रहता है और कुछ और जंगली जानवर भी रहते हैं, उनका अलग खतरा है। भूत का तो है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पहले जानवरों का खतरा है। भूत तो मारेगा नहीं मारेगा वो अलग बात है, जानवर पहले मारेंगे। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है, चलो देखते हैं आगे। आ जाओ, अम्मू बोलते हो तो आ जाओ, मत आ जाओ। बाकी जो पीछे का जो व्यू है, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उधर जाकर के शूट करूं, और ना ही मैं अपने दोनों भाइयों को खतरे में डालना चाहता हूं। क्योंकि उधर से जो आवाज़ आ रही है ना, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन क्या करो, अब आपके लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो मन नहीं है, लेकिन मेरा मन नहीं है आगे जाने का, लेकिन अब क्या करूं, आपको दिखाना है। और लोग बाग बोल रहे हैं भूत है, वो है, चुड़ैल है, ये है, तो चलो आगे चलते हैं। Thank you.
मेरी। मेरी मेरी हिम्मत नहीं कर रही, मैं अपने आप को खतरे में डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो मेरे दो छोटे भाई हैं उनको खतरे में नहीं डाल सकता मैं। और जो आगे का जो ऐसा जो सिस्टम बन रखा है ना कि इतनी टॉर्च इतनी लाइट होने के बाद में भी, सच बताऊं फट रही है। देखो मर्दानगी सच बोलने में यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं चल रही, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। एक बार आप देख लो, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, पूरा जंगल और ये इस तरीके से झाड़ और पेड़ वगैरह वगैरह हो रखे हैं यहाँ पर। अगर आप कमेंट में मेरे को बोलते हो तो मैं दिन में एक वीडियो बना के यहाँ की इस लोकेशन की दिन में एक वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ मैं। और फिर भी अगर आप चाहते हो कि नाइट में मैं एक वीडियो बनाऊँ इधर की, तो मैं तो नहीं चाहता, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं एक वीडियो इधर की नाइट की बनाता हूँ मैं। और डीपली जाता हूँ अभी, ये बहुत लंबा मतलब करीबन 7-8 किलोमीटर होगा, ये 7-8 किलोमीटर लंबा ये जंगल है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो पता नहीं ब्रह्म राक्षस रहते हैं, या ब्रह्म राक्षस किसे कहते हैं, क्योंकि हम तो ट्रैवलर हैं, देखो ट्रैवलर होते हैं दुनिया देखने के लिए। अब ऐसे जंगलों में तो हम जाते हैं, लेकिन ऐसी कहानी अगर सुनी है हमने, क्योंकि हमारे घर के पास में ही ये जंगल है, मैं पुष्कर का ही हूँ और पुष्कर के पास में इस जंगल को बताया गया है कि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस रहते हैं, तो हो सकता है रहें, क्योंकि मैंने इनकी वीडियोस देखी है, उस वीडियोस में बताया गया है, और उस वीडियोस में कुछ तो जानवर की आवाज़ आई थी मेरे को पता नहीं, उस वीडियो में बताया गया है कि आवाज़ें आ रही बहुत ऐसी डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे नहीं पता, देखो वो सच था झूठ था, हो सकता है मैं और अंदर जाऊं तब मुझे वो महसूस हो, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है अंदर जाने की। मैं भी ऐसे ही आया था और ऐसे ही मैंने वीडियो बना ली। बाकी हो सकता है कि अंदर जाकर के मुझे वो महसूस हो, अभी के लिए मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं वापस आकर के ये वीडियो बनाऊँ और वापस आकर के इसको नाइट में या दिन में जैसे भी आपको दिखाऊँ, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं करूँगा, पक्का है और मैं करूँगा। अभी के लिए जय हिंद।